साक्षी द्विवेदी अगले गेम में विच इज कॉल्ड बिग बॉस तो क्या कुछ आप सिमिलरली सीख कर जा रहे हैं यहाँ से uh, थोड़ा सा बिग बॉस में कैमरे, uh, कैमरा ज्यादा है रियलिटी uh, शोज कोई भी हो दिस इज वॉट्स इम्पोर्टेंट का भी एक कॉन्ट्रवर्सी अभी रिसेंटली बाहर आया था उर्फी जावेद को लेकर अभी uh, क्या बोलूँ मैं कॉन्ट्रवर्सी <laughs> हो गई अब क्या कर सकते हैं ऐसे तो कुछ प्लैंड नहीं था बट फाइट मैं चाहती हूँ ये बताओ ना एंड बता। <laughs> लोगों ने ये भी बोला कि मैंने उसके कपड़े पे कमेंट किया कि वो आती है एज अ वाइल्ड कार्ड और उन्होंने मुझे पावर से हटा दिया आई वॉज बिकॉज आई गेट बिच्ची वाइफ्स फ्राम होम अब तक वो अरे यरे शो पे आई है और ये मेरे पीछे पड़ेगी गई कपड़े वपड़े पे जो यूजली लोग कमेंट करते हैं उसको मैं वरुणापूर्वे और आप सब मुझे देख रहे हैं टेली ख़जाना पर और इस वक्त हमारे साथ हैं साक्षी द्विवेदी जो कि स्प्लिट्स विला में आपको नजर आई थी तो चाहिए बात करते हैं उन्हें क्या कुछ कहना है उनके जर्नी के बारे में आ, जर्नी के बारे में मैं क्या बोलूँ इट वॉज़ रियली नाइस एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे और आ, काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड रही मेरे इमोशंस की एंड अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और गेम को समझने का मौका मिला गेम कैसे खेलते हैं इन सब के बारे में बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया मैंने इंफॉर्मेशन जिसको मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ अगले गेम में विच इज़ कॉल्ड बिग बॉस वेल अगर गेम की बात किया जाए साक्षी तो ये गेम जो है स्प्लिट्स वाला का वो काफ़ी अलग होता है और जब बिग बॉस की बात कर रहे हैं वो काफ़ी अलग है तो क्या कुछ आप सिमिलरली सीख कर जा रहे हैं यहाँ से सिमिलरली ऐसा कुछ नहीं कुछ अलग नहीं है थोड़ा सा बिग बॉस में कैमरे, कैमराज ज़्यादा हैं और आ, कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेटअप अलग है बट कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है रियलिटी शोज कोई भी हो एक आपको अगर पैटर्न पता चल गया तो कोई भी शो हो आप उसको कर सकते हैं थोड़ा चेंजेस तो होंगे ना दो शो एक तरीके के नहीं बना सकते लोग बट हाँ आ, समझ गए लाइक पैटर्न क्या होता है क्या एक्चुअली होता है रियलिटी शो में कैसे अंदर काम करते हैं दैट आई हैव गॉट टू नो एंड दिस इज़ वॉट इम्पोर्टेंट अगर बिग 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 बॉस की बात किया जाए तो बिग बॉस के अंदर बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है उन कंटेस्टेंट्स को रिलेटेड काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी है और आपका भी एक कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली बाहर आया था उर्फ़ी जावेद को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए अभी क्या बोलूँ मैं कॉन्ट्रोवर्सी <laughs> हो गई अब क्या कर सकते हैं ऐसे तो कुछ प्लान नहीं था बट फाइट uh, uh, बस चर्चे हैं बस वाइट के अभी क्या बोलूँ मैं हाँ मतलब उसके बारे में क्या बोल लो मतलब क्या बोलवाना चाहते हो ये बताओ ना हम बेसिकली कॉन्ट्रोवर्सी पूरा जानना चाहते कि शुरू हुआ कैसे था ओके okay, सो so, हम जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं इट या जैसा दिखाया गया है एग्जैक्टली exactly वैसा नहीं है क्योंकि उन्होंने हाफ स्टोरी दिखाई क्योंकि आई आई इट दैट सेड समथिंग टू एंड लोगों ने ये भी बोला कि मैंने उसके कपड़े पे कमेंट किया यार आई डोंट रियली केयर कौन क्या पहनते हैं मैं तो खुद इतनी बोल्ड हूँ तो मैं दूसरे के कपड़े पे क्यों कमेंट करूंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने उस पर कमेंट किया इट वॉज़ इट स्टार्टेड इन अ डिफरेंट वे कि वो आती है एज अ वाइल्ड कार्ड और उन्होंने मुझे पावर से हटा दिया आई वॉज द क्वीन बी सो आई वॉज इन पावर तो उन्होंने मुझे हटा के किसी और को पावर दे दी एंड शी वॉज ऑलरेडी अ क्वीन बी तो ऐसा था कि दो थे उनमें से उनको चूज़ करना था कि लाइक हु यू वॉन्ट टू सेलेक्ट तो उन्होंने एक तो पहले पहले मुझे पावर से हटाया फिर उन्होंने क्या किया उनसे रीज़न पूछा गया कि इसको ये तो ऑलरेडी बन गई थी पावर में थी तो आपने क्यों हटाया इनको तो उन्होंने रीजन दिया बिकॉज आई गेट बिची वाइब्स फ्राम हो मतलब वो टू क्विक टू जज इनका आते इसको वाइब्स आने लगी वहाँ से निकल के तरंगे इसके अंदर घुस गई वेलमैन और मेरे को गुस्सा यार किसी को भी गुस्सा आएगा इतने सारे लोगों के सामने शी इज जस्ट ट्राइंग टू insult मी और पुट मी डाउन तो वहाँ मैं गुस्से से आग बबूला हो गई थी बट <laughs> उसके आगे भी वो रुकी नहीं शी स्टार्टेड से स्टाफ कि अभी उसको अपनी मुझे अपनी टीम में लेना था एज अ कंटेस्टेंट कि मैं उसके साथ काम करूँ एंड ऑल दैट एंड शी said शी wants टू कीप हर एनिमीज क्लोजर टू हर हाँ जेक like, अभी आते हैं एनिमी भी बना लिया लाइक वो मेरा अभी तो मैं हंस रही हूँ पर मुझे वहाँ बहुत गुस्सा रहा था कि अरे यारे शो पे आई है और ये मेरे पीछे पड़ गई है यहाँ तक तो ठीक था देन आई नाइज लाइक आई डोंट वॉन्ट बी इन योर टीम एंड देन इट स्टार्टेड लाइक यू आर यूरप बैच अ बैच ये बैच वो बैच बिच बिच चलने लगा उसके बाद शिव एंड और माई इंस्टाग्राम दैट ओ आई नो तेरे इतने फॉलोअर्स हैं पर इतने कम लाइक्स हैं जा जाके अपना मुंह देख एंड ऑल दैट फिर तो मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ से फट के आ, ऐसा हो गया था कि दैट वाइज शी गोइंग ऑन माई इंस्टाग्राम ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट इट रियली पर्सनल सो आई वेंट पर्सनल एज वेल तो रुका ही नहीं लड़ाई रुकी नहीं इतनी गंदी लड़ाई शुरू हुई तो मुझे लगा कि ये मेरे इंस्टाग्राम पे क्यों कमेंट कर रही है क्योंकि वो स्टॉक स्टॉक करके आई थी मेरे को क्या पता उसको अभी पहले से स्टॉक कर दी थी मुझे क्या पता लाइक हाउ शी नो मेरे को उसके इंस्टाग्राम का पता ही नहीं था मैंने तो ऐसे कहीं रैंडम एक्सप्लोर पे दिख जाता है तो देख लिया था बट मेरे को नहीं पता था उसके कितने फॉलोअर्स हैं कितने लाइक्स हैं या क्या पोस्ट है तो मेरे को समझ नहीं आता इसको क्या मैं इसका रिप्लाई क्या दूँ वरना <laughs> मैं अभी कुछ कॉमेंट तो कर ही सकती थी बट पर्सन सी ऑनेस्टली कपड़े उपड़े पर जो यूजली लोग कमेंट करते हैं उसको विच इट नॉट इवन कंसिडर्ड लाइक मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कभी कपड़े वपड़े पर कमेंट नहीं कर सकती कुछ और बोल सकती थी मैं कि ऐसे ही जैसे उसने बोला उसको बोलना नहीं चाहिए था और अभी पेटे अभी क्या आपका स्टेटस है फ़िलहाल अभी हम फ्रेंड्स हैं <laughs> अभी हम फ्रेंड्स हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं प्रोमो आ गया है देख 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 अब क्या करें हम कैसे लड़ रहे हैं यार हम क्यों लड़ रहे हैं शिट मैन कैसे देखेंगे <laughs> तो अब जो फ्रेंड्स बन गए तो इट्स वेरी लाइक वी लाफ अबाउट इट बट अभी तो शो आया नहीं है <laughs> तो हम थोड़ा डरे हुए भी हैं कि कैसे देखेंगे यार एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हैं क्योंकि अब तो फ्रेंड्स हैं उस टाइम क्यों लड़ रहे थे इतना लाइक like क्या हो गया था बट या आई मीन इनिशियली मैं तो बहुत रोती लाइक आई डेंट एज आई टोल्ड यू आई डेंट वॉच एनी शो रियलिटी शो तो मेरे लिए वो इतना शॉकिंग था हंसते हंसते ही ही अचानक से गए कि मेरे करने दिखाने लगा और लाइक वॉट अब तो देगा एंड देन आई स्टार्ट आई जस्ट गेव इट बैक थोड़ा देर सुन सकता है कोई बट आई कान्ट आई विल नेवर स्टार्ट द फाइट बट अगर कोई मेरे यार मेरे उस सर पे चढ़ के बोलेगा तो यू you यार know, मेरे को भी जवाब तो देना पड़ेगा तो ऐसा हो गया था सो आई गेव इट बैक पर हम अब हंसते हैं उसको देख के क्या किया यार क्या लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं <laughs> पहले well, अगर बिग बॉस की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आप ये साबित हो जाता है जिससे कि उर्फ़ी का जो डिसीजन था आपको आउट करना तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाहर तैयार था तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हुआ कहा कि वो वो मुझे निकालती तो मैं बिग बॉस आ जाती <laughs> अरे यार वो आ, ऐसा मैंने सोचा नहीं एक्चुअली कि हाँ थोड़ा पहले निकाल देती तो बट मैं अभी रह गई ना गेम में लंबा तो <laughs> निकाल नहीं पाई या फिर आ, बाद में दोस्ती बन गए यार तो क्या मतलब है पर एक सेकेंड गेम हम डाल सकते हैं क्या कि इट विल भी रेवलेशन बट ठीक है दोस्त अभी अभी का स्टेटस ये है कि दोस्त हैं गेम से बाहर निकल के ठीक है हाँ तो मतलब बट कोई नहीं मैं अगले सीजन में जाऊंगी एज अ कंटेस्टेंट बिग बॉस तो बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कुछ बिग बॉस में ज़्यादा कैमराज हैं और हर जगह कैमराज हैं uh, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंड इट्स अ सोलो गेम क्योंकि स्प्लिट्स वाला एक कपल गेम है तो कहीं ना कहीं मैं बहुत पिकी हूँ कहीं ना कहीं मैं बहुत पिकी हूँ और चूजी हूँ एक लव रिलेशनशिप बनाने में और एक्टिंग तो मैं कर सकती हूँ बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विद द स्क्रिप्ट अब रियलिटी शो में लवी डवी मैं एक्टिंग क्यों करूँ मेरे को रियल रहना है भाई नहीं पसंद आ रहा तो नहीं पसंद आ रहा है आई बी क्लियर कि मुझे गेम के लिए फ़्रेंडशिप कनेक्शन बनाना है और आगे लेट्स सी ठीक है क्योंकि बट लॉट ऑफ पीपल फेक डेट आई कॉन्ट डू इट तो बिग बॉस ऐसा शो है जिसमें अकेले मैं खेल सकती हूँ मैं अगर सोलो जाऊँगी तो फ्रेंडशिप कनेक्शन बना के मैं आगे गेम को खेल सकती हूँ नॉट लाइक आई डोंट नीड टू हैव अ लव रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप की बात किया जाए तो अभी फ़िलहाल बिग बॉस के घर के अंदर लव कनेक्शंस काफ़ी नज़र आ रहा है एक टीना शालीन भी है आपने पढ़ा होगा वो दिख नहीं रहा है कितना सारा फेक है मतलब कोई भी देख के बता देगा क्या नकली नाटक कर रहे हैं सब दोनों सीरियल में घुस चुके हैं बिग बॉस को सीरियल बना लिया है दोनों कि अभी कुछ कुछ होता है हो रहा है तीन और शालीन तीनों लगे पड़े अपना नाटक करने के लिए वो तो करण जौहर ने भी आके थोड़ा पुश कर दिया कि हाँ ये तो टीना है और इसमें वो, उस दिन तक तो कुछ नहीं था जब से उसने बोल दिया है उस दिन से तीनों को लग रहा है ये स्टोरी को ऐसे अच्छा खींचा जा सकता है ये एंगल दिखा के उस दिन से मुझे लग रहा है वो लोग काफ़ी कैरेक्टर में घुस गए तो वो तो प्रॉपर नकली और इधर इसका जो है लाइक वट्स इज नेम गौ अच्छा गौतम गौतम एंड सौंदर्या ओके गौतम एंड सौंदर्या का भी गॉस इट्स फेक इट्स काइंड ऑफ विजिबल तो ये कपल वाला जो ड्रामा है इधर मुझे तो ये दोनों साइड का पागलपन लगता है इन दोनों का मुझे रियल लगता है जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलते हैं बट मुझे लगता है कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं प्रियंका एंड okay. अंकित ओ ये दोनों लगता है तो प्रियंका मुझे लगता है शी इज़ अ स्ट्रॉग प्लेयर अपार्ट फ्रॉम देट मुझे एम सी बहुत पसंद है और मुझे शिव पसंद है शेमड़ी <laughs> अरे इट्स रेली क्यूट रेली क्यूट अगर वाइल्ड कार्ड की बात किया जाए तो क्या कुछ आप एज अ वाइल्ड कार्ड नजर आने वाली है बिग बॉस के घर के अंदर आ, नहीं यार अभी वाइल्ड कार्ड भी मैं एक रियलिटी शो करके आऊंगी मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो अभी वाइल्ड कार्ड नहीं बट एज अ कंटेस्टेंट डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी वाइल्ड कार्ड के लिए इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर तो अगर आप नहीं जा रहे तो ऐसा कौन है जिससे आप देखना चाहते हो बिग बॉस के घर के अंदर जो जाए एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री मुझे लगता है कोई ना कोई कनेक्शन जो जो अंदर लोग हैं उनका अगर किसी बाहर वाले के साथ कनेक्शन है मुझे लगता है ये जो ड्रामा कर रहे हैं सौंदर्या और गौतम और ये दोनों टीन और इनके किसी एक्स को लेके जाओ तो वहाँ थोड़ा सा और किसी रियल लाइफ हो सकता है गौतम किसी को बाहर डेट कर रहा हो उसको असलियत में लेके जाओ तो वहाँ का सारा भांडा फूटेगा एंड देन देर विल बी लॉड ऑफ मसाला एंड तब कुछ मजा आएगा सी आई हैव बिकम अ क्रिएटिव एज वेल क्रिएटिव डायरेक्टर वेल साजिद खान को भी लेकर काफ़ी uh, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी uh, हो रही है बाहर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाला जाए क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी कुछ इल्ज़ाम भी लगे हुए हैं तो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे इल्ज़ाम लगे हैं वो तो उनका पर्सनल पर्सनल लाइफ है उसका तो बाहर डील कर सकते हैं ठीक है शो में गए हैं तो उनका भी मुझे समझ में आ रहा था एज अ पर्सन वो भी काफ़ी डिप्रेशन में होंगे उनके पास से सारा काम छिन गया है जो भी लाइक फॉर वरेवर और कोई भी इंसान एक तरीके का लाइफ टाइम नहीं रहता है सब ना एक टाइम कभी अच्छे रहते हैं कभी बुरे रहते हैं चेंज होते रहते हैं तो हो सकता है ही वॉन्ट्स टू चेंज सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि लोग उनको बदलने नहीं दे रहे हैं कि भाई एक बार इसने कुछ कर दिया है तो अब उसको उसके पीछे बढ़ जाओ सो यू नवर नो कि हो सकता है ही वॉन्ट्स टू चेंज और प्रॉब्ली ही इज चेंज मुझे शो में ठीक ही लग रहे हैं स्टार्टिंग में मेरे को बोरिंग लग रहे थे वेन ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू जस्ट हेल्प एवरीबडी टू बी फ्रेंड्स तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी मैंने कहा ये क्या कर रहा है ये लाइक ये इज़ लाइक आप लोग गले मिलो आप लोग गले मिलो आई लाइक क्यों और मैं तो बोली थी फिर अचानक से कोई और औरत लाइक कोई और लड़की आती है शो पे ही और बोलती हैं कि सबकी बुराइयाँ करनी थी उस दिन कि सब में क्या कमी है तो उन्होंने बोला कि ये साजिद जी सबको दोस्त क्यों बनवाते रहते हैं तो उस दिन से साजिद दी ने करना बंद कर दिया तो हाँ मतलब साजिद जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको मौका देना चाहिए ऑडियंस को भी लाइक फॉर वॉर एवर एक इंसान एक ही तरीके का लाइफ टाइम नहीं रहता है सब बदलते हैं जैसे कि आपने कहा कि आप बिग बॉस करना चाहती हो मे बी ये सीज़न नहीं पर नेक्स्ट सीज़न डेफिनेटली आप करोगे तो क्या कुछ आप पहले से ही तैयारी करके जाने वाले घर के अंदर बता तो नहीं हूँ मैंने ये सीज़न को तो फॉलो किया अभी ये ख़त्म होगा तो मैं पिछले तेरह सीजन भी देख लूँगी और रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है ही एंड आम जस्ट फन पर्सन यार लाइक आईव लाइक लॉड़म मसाला इन मी आई वॉन्ट अ शो जहाँ पर मैं यू you नो know, अपनी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रेक कर सकूँ स्प्रिट्सवेला वॉज़ रियली नाइस बट आई टेल यू वट वॉज़ wrong with me in स्प्रिट्सवेला because as I said, it's a couple show. तो couple के लिए नाटक में नहीं कर सकती यू नो इफ आई डोंट लाइक आई डोंट लाइक वाला सिचुएशन है एंड इफ़ यू डोंट मेक अ कपल यू कान मूव फॉरवर्ड इन द शो अकेले नहीं जा सकते दोस्त तुम्हें नहीं ले जाएंगे तुम्हें एक कपल बनाना ही पड़ेगा अदरवाइज तुम्हारा आगे गेम में कुछ नहीं है तो ऐसा ही है मुझे लगता है बिग बॉस में अकेले जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और दोस्त बना के भी काम आपका चल जाएगा नकली नाटक नहीं करना पड़ेगा तो मुझे लगता है दैट शो इज़ मोर फॉर मी देन स्प्रिट्स वाला और अगर अब इस सीज़न के बिग बॉस की बात की जाए तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इस सीज़न कौन विनर के लायक है किसे आप विनर देखती हैं मुझे आ, विनर शिव में विनर दिखता है और मुझे कहने के लगता है शायद फीमेल कंटेस्टेंट में प्रियंका जीत सकती है आ, शिव प्रियंका और मेरे फेवरेट्स हैं अब्दू और स्टैन ये दोनों मेरे को अलग से पसंद है अर्चना भी मुझे बहुत मसाला देती है यार कंटेंट तो भर भर के देती हो लाइक पीपल लाइक टू वॉच हर सिल बट्टे का स्टोरी <laughs> कि मैं मैं पागल हूँ अकेले खाना बना रही हूँ मुझे बनाने में प्रॉब्लम नहीं है मुझे बांटने में प्रॉब्लम है तो चीज़ एंटरटेनिंग um, कभी कभी बहुत इरीटेटिंग हो जाती है बट आई आई लाइक हर एज वेल आई कैन से बाकी इधर वाली स्टोरी बहुत बोरिंग लगने लगती है टीना और सुम टीना सुबुल और इसकी तीनों का लव ट्रायंगल इतना पक गया ऑडियंस भी पक गई है यार कुछ नया ले आओ हो सकता है कोई सुम्बुल का बॉयफ्रेंड ले आओ या तो कोई टीना का असली वाला बॉयफ्रेंड लेके आओ <laughs> या फिर शालीन का कोई असली जो गर्लफ्रेंड है बाहर उसको लेके आओ इनका नाटक पहले बंद कराओ <laughs> तो दिस इज वॉट इट इज़ मुझे लगता है ये दो विनर हो सकते हैं शिव और प्रियंका ये मेरी परसेप्शन है लास्टली आप सभी फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे सभी फैंस को मैं मैसेज देना चाहूँगी गाइज़ आई लव यू सो मच एंड कीप वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ साक्षी त्रिवेदी ऑफिशियल एंड उस पर फॉलो करो और प्लीज़ मेरी पिक्चर्स पे लाइक करो जस्ट फॉलो मत करो लाइक like करो कॉमेंट करो मेरी रीच बढ़ाओ यार लाइक like, क्या गो <laughs> Thank you. Thank you.